एनिमल की रिलीज डेट एंड वक्त पर बदल गई। रणबीर कपूर स्टारर ये फिल्म पहले 11 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, अब ये पिक्चर 1 दिसंबर को थिएटर्स में लगेगी। मगर इस फिल्म के चक्कर में शाहरुख खान की जवान का काम खराब हो गया, क्योंकि जवान को एनिमल के चक्कर में तगड़ी रिलीज डेट छोड़नी पड़ी। जवान पहले 2 जून को रिलीज होनी थी, मगर फिल्म तय समय तक पूरी नहीं होती, इसलिए मेकर्स ने फिल्म को आगे खिसकाने का फैसला किया। कई तारीखों पर चर्चा हुई। 25 अगस्त ऐसी डेट थी जिस पर जवान के मेकर्स विचार कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत लुभावना हफ्ता था, छुट्टियों से भरा हुआ। 25 को शुक्रवार था जिस दिन फिल्म रिलीज होती, 26 और 27 को शनिवार और रविवार यानी रेगुलर वीकेंड, 28 को सोमवार खाली था, फिर 29 को ओनम की छुट्टी और 30 को पड़ रहा था रक्षाबंधन, 31 यानी गुरुवार को गैप, उसके बाद फिर से वीकेंड चालू। जवान के मेकर्स चाहते थे कि उनके आसपास कोई बड़ी फिल्म रिलीज ना हो। 11 अगस्त को गदर 2 और एनिमल दोनों आ रही थी। अगर सिर्फ एक फिल्म होती तो मामला सुलट जाता, क्योंकि गदर 2 को कमाई करने के लिए सीधे 2 हफ्ते मिल रहे थे। मगर 2 बड़ी फिल्मों के होने से नुकसान था। जनता दोनों फिल्मों को देखना चाहती, उनका सिनेमाघरों में आना जाना लगा रहता, फिर जवान आ जाती। आम इंसान के लिए 1 महीने में सिनेमाघर जाकर 3 फिल्में देखना इतना भी सस्ता सौदा नहीं होता। इसलिए जवान के मेकर्स ने 25 अगस्त की तारीख छोड़ दी और एनिमल भी 11 अगस्त से पोस्टपोन हो गई। एनिमल अब 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में लगेगी। इसी तारीख पर विकी कौशल की सैम बहादुर शेड्यूल है। 25 अगस्त को आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो रही है। एनिमल की वजह से जवान को 7 सितंबर की रिलीज डेट पकड़नी पड़ी। 7 सितंबर को गुरुवार है, इस दिन जन्माष्टमी भी है यानी छुट्टी होगी। इसका फायदा जवान को सिर्फ ये होगा कि उन्हें 4 दिन लंबा वीकेंड मिल जाएगा। सोमवार से नॉर्मल वर्किंग डे चालू। अगली छुट्टी पड़ेगी 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी की। जब एनिमल 1 दिसंबर को शिफ्ट हुई तो डंकी को लेकर खबरें चलने लगी। कहा जाने लगा कि शाहरुख सितंबर के बाद दिसंबर में अपनी रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि नवंबर में वो टाइगर 3 में भी दिखाई देंगे, यानी 4 महीने में शाहरुख खान की 3 फिल्में। मगर बताया जा रहा है कि डंकी पोस्टपोन नहीं होगी, 22 दिसंबर को ही रिलीज होगी। शाहरुख और राजकुमार हिरानी ने उसी हिसाब से चीजें प्लान की हुई हैं। खैर, आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी श्वेतांक ने, मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।